अगर आप भी मेरी तरह बॉटल आर्ट के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। यहाँ आप देखेंगे तीन अलग अलग तरीके से मैंने कैसे अपने डिस्कार्डेड बॉटल्स को डेकोरेट किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चुनमुन क्राफ्ट्स में और मैं हूँ आपकी दोस्त अपर्णा। ये देखिए, ये तीन तरह की बॉटल आर्ट हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाई हैं, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ एक का ही ट्यूटोरियल शेयर करूंगी क्योंकि बाकी आप देख के समझ ही जाएंगे कि कैसे किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। ये है वो बॉटल जिसे हमें कन्वर्ट करना है। ये आपको कहीं भी मिल जाएंगी। मैंने इसको एक कबाड़ी से लिया था 5 रुपीज़ में। ऐसी ही एक और बॉटल भी मैंने वहाँ से ली थी जिसे आप इसी वीडियो में देखेंगे। और फिर मैंने इस पे बने पैटर्न्स को अनदेखा करते हुए इस पे कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ब्लैक आउटलाइनर से बना दिए। ग्लास कलर में कुछ ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक्रेलिक कलर्स ही लगाए जाएँ। तो यहाँ वहाँ जितने भी कलर्स अवेलेबल थे वो लगा दिए। बहुत मज़ा आया, ऑप्शंस बहुत थे, बहुत से रंग थे। पूरी किट के अलावा मेरे पास बहुत सारी और शेड्स थी जो मैंने सब इसमें लगा दी। शुरू में सोचा कुछ जगह खाली छोड़ दूं, लेकिन नहीं, मन नहीं माना। लगा ये कुछ फुटबॉल शेप, फुटबॉल प्रिंट ही तैयार हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए रिजल्ट उससे बहुत अच्छा निकला, बहुत सुंदर। अभी आप देखेंगे कि कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था, है ना ब्यूटीफुल। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी एज ए प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ मैगजीन्स रखी हैं जिनमें से मेरे को सुंदर ग्लॉसी पिक्चर्स जब भी चाहिए होती है निकाल लेती हूँ। ऐसी ही एक पिक्चर मैंने स्पैरो की इस मैगजीन में से निकाल ली और जो विंडो हमें जिसके लिए चाहिए ये कटिंग उसकी शेप में इसको मार्क कर लिया और फिर कट कर लिया। डेकोपॉज मुझे शुरू से पसंद है, पर ये एक महंगा शौक है। डेकोपॉज नैपकिन काफ़ी महंगे आते हैं, तो मैं जब भी करती हूँ तो ऐसी मैगजीन कटिंग के साथ ही करती हूँ। और ये मॉड पॉज भी हम घर में अभी बनाएंगे। जितना फेविकोल लेते हैं उस क्वांटिटी से थोड़ा कम पानी मिला के आप डेकोपॉज ग्लू बना सकते हैं। ढेर सारा ग्लू हमें इस विंडो पर लगाना है जहाँ पर हमें ये बर्ड पेस्ट करनी है। कोई भी जगह ना छूटे, एक थिक लेयर हम यहाँ पर इस ग्लू की लगा देंगे और उस पर हम पेस्ट कर देंगे अपनी बर्ड को, कुछ इस तरह सिंगल बार। और किसी ड्राई ब्रश से इसको चारों तरफ से बबल्स को हटाते हुए विदाउट रिंकल सेट कर देना है। और साथ ही साथ इसी ग्लू को पिक्चर के ऊपर भी हम लगा देंगे। उसी ग्लू को चारों तरफ पिक्चर के ऊपर कुछ इस तरह, जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्लैट ब्रश को यूज़ करें और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इस पर आउटलाइनर से हाईलाइट करेंगे सिमिलर कलर के आउटलाइनर के साथ। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप करके आप यहीं तक अपनी बॉटल को रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाईलाइट भी कर रही हूँ। एक और कलर का, जो आपने कलर्स लगाए हैं उनमें से कोई एक कलर का आउटलाइनर लेके आप बाउंड्री बना लें ताकि ये कुछ फ्रेम जैसा दिखे। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको आउटलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। जो कलर बर्ड में थे मैंने वही कलर के आउटलाइनर लेकर कुछ हाईलाइट कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बॉटल आर्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करते रहें। अब मैंने इसके बाद गोल्डन कलर से कुछ डॉट्स बना दिए हैं।
गोल्डन कलर से ही मैंने फ्रेम की आउटर लाइनिंग भी कर दी है और इसके बाद बर्ड की बॉडी पे कुछ इस तरह से स्ट्रोक्स दिए हैं गोल्डन कलर के। और अब फाइनल स्टेप, वार्निश। पूरी तरह ड्राई होने के बाद हम इस पे वार्निश करेंगे। एक्रेलिक वार्निश है ये, और उसके बाद इसको कम से कम 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे ताकि वो पूरी तरह ड्राई हो जाए। ये वो दूसरी बॉटल है जिसे मैंने ग्लास कलर से पेंट किया है। उसी आउटलाइनर के बाद उसमें ग्लास कलर फिल किए हैं और इसे मैं एज ए बॉटल लैम्प यूज़ करती हूँ। ये देखिए, इसमें फेरी लाइट लगाई है और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। और ये जैकब पॉज उसी स्टाइल में मैगजीन कटिंग से टाइगर एम्प्टी परफ्यूम बॉटल पे, दूसरी साइड 3D आउटलाइनर से, वाइट आउटलाइनर से मंडाला बनाया गया है। तो ये थे मेरे आज के बॉटल आर्ट। आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चुनमुन क्राफ्ट्स को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।